शुक्रवार को पुलिस का बेड़ा और बड़ा हो गया। नवी वाहिनी, तेजवी वाहिनी और 24वीं वाहिनी पीएसी में दिशांत परेड के बाद 402 सिपाही पुलिस बेड़े में शामिल हो गए। तीनों वाहिनी के कमांडेंट द्वारा पास आउट हुए सिपाहियों को शपथ दिलाई गई। 6 माह का प्रशिक्षण शुक्रवार को पूरा हो गया। इस दौरान सिपाहियों को साइबर क्राइम, जंगल ट्रेनिंग, अपराध नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, कानून व्यवस्था आदि का विशेषज्ञों द्वारा कुशल प्रशिक्षण दिया गया। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार पासिंग आउट परेड का आयोजन टाल दिया गया, सिर्फ दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। तेजवी वाहिनी पीएससी में कमांडेंट अतुल शर्मा ने पास आउट हुए 149 सिपाहियों को शपथ दिलाई। मुजफ्फरनगर के थाना खतौली के विनित पाल को सर्वांग सर्वोत्तम चुना गया। इसी प्रकार 24वीं वाहिनी पीएससी में भी कमांडेंट अतुल शर्मा ने पास आउट हुए 100 सिपाहियों को शपथ दिलाई। यहां पर इंडोर और आउटडोर में शानदार प्रदर्शन करने वाले हापुड़ के विवेक त्यागी को सर्वांग सर्वोत्तम घोषित किया गया। नवी वाहिनी पीएससी में कमांडेंट अशोक कुमार शुक्ला ने पास आउट हुए 153 सिपाहियों को शपथ दिलाई। यहां पर अभिषेक गिल निवासी शामली को सर्वांग सर्वोत्तम चुना गया। बड़ा ही सुखद अवसर है कि हमारे यहाँ जो रिक्रूट परीक्षी थे वो 6 माह के आधार पर प्रशिक्षण के बाद पासिंग आउट परेड पूरा हो रहा है। ये रिक्रूट आरक्षी आरटीसी प्रभारी सूबेदार के श्री नवीन ने प्रशिक्षण को दिया और आरटीसी मेजर के रूप में इनका कुशल संचालन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के लिए संजय यादव ने कार्य किया। प्रशिक्षण में मार्गदर्शन के लिए समय समय पर एसी महोदय श्री देवेंद्र कुमार एवं शिविरपाल श्री चंद्रशेखर यादव द्वारा भी योगदान दिया गया। आरटीसी में 6 माह के मध्य रिक्रूट आरक्षी को अंता विजय के अंतर्गत प्रथम समूह में पुलिस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, द्वितीय में विधि प्रथम के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी इंडियन एविडेंस, तृतीय समूह में पुलिस विज्ञान, चतुर्थ के अंतर्गत पुलिस रेडियो दूर संचार प्रणाली, पंचम में भारतीय संविधान आदि, षष्ठम में पुलिस विज्ञान आदि, अपराध नियंत्रण विवेचना आदि, सप्तम समूह के अंतर्गत विधि द्वितीय आदि, अष्टम समूह के अंतर्गत विधि विज्ञान आदि और प्रशिक्षण दिए गए। इस 6 माह के प्रशिक्षण के 12 विषय प्रशिक्षण के अंतर्गत इनको शारीरिक प्रशिक्षण, पदाति प्रशिक्षण, शस्त्र प्रशिक्षण, रात्रि का फायरिंग शस्त्र, जंगल प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट, भीड़ नियंत्रण, यूएसी, योगासन, यातायात नियंत्रण, तैराकी, मोटरसाइकिल चलाना एवं रखरखाव, खेल, जिम, नक्सल विरोधी अभियान का प्रशिक्षण, आतंकवाद विरोधी अभियान, डकैती विरोधी अभियान, विशिष्ट तलाशी अभियान का प्रशिक्षण उनको दिया गया। और इस प्रकार से इस 6 माह के आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान किसी भी अनुशासनहीनता की कोई घटना नहीं हुई। इसके लिए परेड में सम्मिलित सभी रिक्रूट आरक्षी बधाई के पात्र हैं। बहुत बढ़िया, ये सभी रिक्रूट आरक्षी पास होकर के वापस जाएंगे अपने जनपद में, आपका जनपद ही मुरादाबाद में है, आप लोग यहाँ ज्वाइन करेंगे। इसके बाद आप लोगों को अलग अलग ड्यूटी असाइन की जाएंगी। आप सभी लोग 2-3 मुख्य बातें पर ध्यान रखें। पहला, ट्रेनिंग पीरियड में जो कुछ भी आपको मिला है इसको हमेशा के लिए संजो के रखना है। अगर किसी वजह से कोई पार्ट छूट गया है तो उसे तत्काल कोशिश करिए किसी प्रकार से कंपनसेट आप कर सकें, उसे जरूर देखिएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो ये समय कोरोना महामारी का समय चल रहा है, हम लगातार आप लोगों को बताते रहे, हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी बताते रहे, आप लोगों को आगे भी ध्यान रखना है। जब तक ये पैंडेमिक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती जड़ से, तब तक भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए सभी गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है और लगातार इससे सुरक्षा बरतनी है। इसी के साथ मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इतने अच्छे से ये सारी चीजें कंप्लीट की। इस दौरान आपने चुनाव की ट्रेनिंग ली, चुनाव के दौरान में जो ड्यूटी होती इसकी ट्रेनिंग ली, त्यौहार जो होली का था उसमें भी आप लोगों की ड्यूटी लगी, उसमें आप लोगों ने ट्रेनिंग ली। इस प्रकार आप लोगों का ये प्रशिक्षण पूरी तरह से कंप्लीट हुआ और मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ।